जगदूत न्यूज ब्यूरो मोहम्मद नबी आलम राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र जगदूत न्यूज मतलब यहाँ से 4 तारीख को गए थे, बासोपट्टी फुलहर गए थे और मेरे सारू का घरवास था उसी में गए थे। तो उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, उसके बाद आज सवेरे में हमको पता चला 9 बजे के लगभग कि आपके घर में ताला बिल्कुल टूटा हुआ है। तब उसके बाद हम वहाँ से फिर चले, फिर आने के बाद हम यहाँ 4 बजे पहुँचे हैं तो देखते हैं घर में पूरे सामान अस्त व्यस्त पूरा एकदम, जितना था गोदरेज सारा टूटा हुआ था, पेटी का ताला टूटा हुआ था और क्या कहते हैं बक्सा जो था, फिर जो बेड था उसका सारा सामान निकाल करके पूरे फेंका हुआ था सारा एक एक सामान। और चोरी हुआ उसके बाद देखे तो जेवर जितना था, जेवरात था, वो सारा जेवरात चांदी वो सारा चीज़ मेरा कुछ नहीं बचा। सारा 12 भर जेवर था, 2 किलो चांदी होगा। क्या नाम था ड्राइवर का, कहाँ का था? मैं बोल रहा हूँ
आपका क्या नाम है? ये बेसिकली रूटीन वार्षिक इंस्पेक्शन है जो मेरे द्वारा आज यहाँ पर BMP 8 में किया जा रहा है। इसमें जो यहाँ के वर्किंग है या फिर जो लोगों की समस्याएं हैं उन सबको देखा जाएगा। जो अभी पुलिस सभाएं हुई हैं उसमें काफ़ी कुछ समस्याएं आई हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जो डिफरेंट सेक्शंस हैं सबकी जांच की जाएगी, सबके रजिस्टर का देखा जाएगा उसमें क्या क्या समस्याएं हैं और सब नियमानुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी मैं वहाँ गया था उसको देखने के लिए, वहाँ पर भी गया था। ये बिल्कुल जेन्युइन समस्या है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है कि जो सिविलियन हैं वो इस वाहिनी के परिसर को यूज़ करें रास्ता के रूप में। लेकिन चूंकि गांव की भी समस्याएं हैं तो वो भी हम लोगों के नज़र में है। उसके लिए BMP के द्वारा बाउंड्री के साइड से रास्ता छोड़ा भी गया है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी रास्ता जल्दी से तैयार हो जाए। और जैसे रास्ता तैयार होता है तो हम लोग वही रिक्वेस्ट करेंगे गाँव वालों से कि वो जो रास्ता बने उसी का उपयोग करें, क्योंकि यहाँ पर आर्म्स हैं, म्यूनिशंस हैं, बहुत सारे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जहाँ जो सिक्योरिटी के हिसाब से किसी सिविलियन को इस कैंपस में फ्रीली आने देना उचित नहीं होगा। तो हम लोग प्रयास करके उस रोड को बनवाने की कोशिश करेंगे। सर विभाग को BMP पत्र लिखेगी क्या इस समय? हाँ, उसके लिए हम लोग यहाँ से